हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, तो जी दोस्तों, दिल्ली में पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और क्योंकि मैं 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ठंड की वजह से, पता नहीं किस वजह से मेरे को फ़ीवर हो गया था, और 3 दिन तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहा है और कोल्ड और कफ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या क्या सामान उसके लिए लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, तो जी दोस्तों, पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने सबसे पहले पनीर। पनीर को मैंने पीसीज में काट लिया है। मटर लिए यहाँ पर मैंने, देखिए दोस्तों, दो बड़े चम्मच लिए मलाई, और यहाँ पर मैंने लिए प्याज, लहसुन और अदरक, और यहाँ पर 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी है, और 1 तेज़पत्ता है, 2 लौंग है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिए मैंने मखाने और काजू, और यहाँ पे लिए हैं मैंने 6 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च हैं दोस्तों। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बॉईल करूँगी ये टमाटर, ठीक है दोस्तों। तो आज कुछ मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल में पनीर की सब्ज़ी, जैसे कि हलवाई बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी शादी वगैरह में या किसी फंक्शन में, उस तरीके से। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बॉईल करने जा रही हूँ टमाटर। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और टमाटर बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई जो है वो गैस पे रख दी है, और इसके अंदर डालेंगे हम सरसों का तेल। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, देखिए तेल गर्म हो चुका है, और अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा, और जीरे के अंदर मैं डालूँगी ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी काट लिया है। तो जी दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल हल्का भूनना है, मतलब कि बिल्कुल हल्का भूरा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी उबल चुके हैं, बस इतना ही इनको उबालना है जिससे कि इनका छिलका उतर जाए। इसको हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और टमाटरों को उतार के रख देते हैं जिससे कि ठंडे हो जाएं टमाटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन को फ्लेम पे रख दिया। इसमें मैंने मखाने, काजू और ये 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग डाल दिए। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ये आसानी से अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। प्याज हो चुके हैं, बस हल्का सा भूरा करना था इनको। और अब ये जो उबले हुए टमाटर थे, इनका मैंने छिलका उतार दिया है, और इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों, और इसको भी केवल 1 मिनट के लिए इसके साथ भूनेंगे, और उसके बाद जो अपनी फ्लेम है इसको हम बंद कर देंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है 1/2 चम्मच घी में, काजू, बादाम और मखाने और ये तेज़पत्ता और लौंग वगैरह, ठीक है। केवल 1 मिनट के अंदर मतलब पकाना है टमाटरों को प्याज के साथ, और उसके बाद हम इसको ठंडा होने पे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, गरम गरम ग्राइंड नहीं करना। तो जी फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को मेरे हाथ की ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और मेरे हस्बैंड तो कहते हैं, कभी भी हम जब कहते हैं ना कि बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, तुम बनाओ सब्ज़ी और तुम खाना बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये पता नहीं कि ये सच है या बाहर का खाना ना खाने के बहाने घर का खाना खाना है। उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कभी कभार किसी ओकेज़न पे हम खा लेते हैं, पर इतना हाइजीनिक नहीं होता जितना घर का खाना होता है, क्योंकि हम हाथ धो के और अच्छे से बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारा प्यार होता है घर के खाने में, इतने प्यार से हम खाना बनाते हैं, तो वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी घर में घर की माएँ, बहनें, बेटियाँ खाना बनाती हैं तो बड़े प्यार से खाना बनाती हैं, तो उस प्यार की और उस खाने की बहुत कदर करनी चाहिए, और उसे प्यार से ही खाना चाहिए दोस्तों। और घर जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मैं इतना घूमी हूँ, मतलब कि काफ़ी घूमते हैं हम लोग, बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही काफ़ी इस जगह घूमने गए, और काफ़ी जगह रह भी गई हैं, ठीक है। तो लेकिन वही है ना कि जितना हो सकता है, मतलब कि मेरे से भी ऊपर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं दुनिया, और मेरे से भी नीचे लोग हैं जो कि इतना भी नहीं घूमे जितना कि मैं घूम चुकी हूँ। तो जी दोस्तों, मैंने कई जगह का खाना खाया है, लेकिन मेरे को वो टेस्ट नहीं मिलता जो खुद मैं घर में बनाती हूँ, उस खाने का स्वाद होता है, ठीक है। और मतलब कि घर का खाना मस्त होता है, चाहे मम्मी बनाए, चाहे बहन बनाए, चाहे बेटी बनाए, चाहे बहुएँ बनाए, चाहे कोई भी बनाए, घर का खाने जैसा कोई टेस्ट नहीं होता। तो देखिए, 1 मिनट हो चुका है, और ये हमारे जो है पक चुके हैं टमाटर, तो हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, और मिक्सी में साथ में हम ये भी ग्राइंड करेंगे जो हमारे मखाने थे,
और ये काजू वगैरह जो हमने रोस्ट किए थे इनको भी ग्राइंड करेंगे और साथ में कसूरी मेथी डालेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं मिक्सी के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मिक्सी के जग में मैंने डाल लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, और यहाँ पर इसी के अंदर ये डाल देंगे हम, क्योंकि इसको भी साथ में ही हमें पीसना है। तो इसी के अंदर डाल रही हूँ मैं ये, और ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके ऊपर से भी डाल सकते हो, पर मेरा तरीका यही है, मैं इसी के अंदर डालती हूँ। और थोड़ी सी ना फ्रेंड मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट के रख रखा है, तो ये काली मिर्च में मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो सब्जियों में बहुत अच्छा आता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है काली मिर्च। तो जी इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। अब मिक्सी में पीस लिया है मैंने अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में डाला है मैंने एक चम्मच के करीब सरसों का तेल, और आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर जो मैंने मिक्सी में टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च कलर आने के लिए। तो अभी जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा किया है, और इसके बाद हम आधी चम्मच के करीब इसके अंदर डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और ध्यान रखना कि लाल मिर्च जो है वो जले ना, और साथ के साथ हम इसके अंदर ये अपना जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये डाल देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानो बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट, जैसे कि हलवाई वगैरह बनाते हैं उस तरीके की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो कभी कुछ स्पेशल खाने का मन है तो आप बना सकते हैं, या गेस्ट आ रहे हैं तो बना सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, बस अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालेंगे। तो आधी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, आधी चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं ये गरम मसाला, और आधी चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा सा आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन अमचूर पाउडर इस समय मेरा जो है वो ख़त्म हो रहा है, मैं डालती हूँ जब ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ, मतलब कि कुछ जो स्पेशल कुछ सब्जियाँ उसके अंदर मैं अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ। इसको अब हमें पकने देना है कम से कम 2-3 मिनट के लिए, तो इसको हम ढक देंगे, ठीक है दोस्तों। मिक्सी के जार के अंदर ही मैंने एक गिलास पानी डाल दिया दोस्तों, जिससे कि जो भी हमारी ग्रेवी लगी हुई है वो बिल्कुल वेस्ट ना जाए। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा थिक रखनी है तो थोड़ा कम पानी डालें, और ज़्यादा आप अगर पतली सब्जी बनाना चाहते हैं तो मतलब कि रेशा ज़्यादा चाहिए आपको तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं, ये सब अपने हाथ में होता है। तो मैं थोड़ी सी थिक ही सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक गिलास के करीब पानी डाला है, एब्जॉर्ब हो जाएगा एक गिलास पानी। इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि जब तक मसाले ना पके ना तो सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो मसाला था वो पक गया है अच्छे से, और अब सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम ये जो एक गिलास के करीब मैंने पानी रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर, और साथ के साथ ही इसके अंदर अपनी ये मलाई डाल देंगे। तो जी दोस्तों, मैं क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ मलाई का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये जो मटर हमने बॉईल करे थे ये डाल देंगे, और बस एक ही उबाल आएगा उसके बाद हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है, एक उबाल आ गया है सब्जी में, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये अपने जो काटे हुए पनीर थे ये डाल रही हूँ, और इसको केवल 5 मिनट के लिए हम बॉईल होने देंगे और इसको ढक देते हैं दोस्तों। सब्जी हमारी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, सब्जी तैयार हो चुकी है, और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन हरी मिर्चों का, बहुत स्वाद लगती हैं, बिल्कुल लास्ट में डालना है। और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ में, तो धनिया डाल देते हैं दोस्तों। तो
तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी सब्जी बनेगी। साथ में गर्मा गर्म फुलके बनाइए, पराठे बनाइए, बहुत ही स्वाद लगेंगे। तो जी फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो मेरी रेसिपी है इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बनेगी। और दोस्तों, सर्दियों का बहुत बहुत आनंद उठाएं, गरम गरम खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।